ये अनिका है, स्मार्ट, चिल्ड आउट, फन लविंग, जिंदगी को पूरी तरह जीने वाली लड़की। इसकी लाइफ में यश आया। जब वो यश को मिली तो जो केमिस्ट्री था वो जल्दी से उनका हो गया और एक दूसरे को बहुत प्यार करने लग गए वो। अनिका तो कभी कभी ये कहती थी कि यश तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ इतना कलरफुल हो गया। यश ये सुनकर मुस्कुराता था। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप बढ़ा और एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो शादी कर लेंगे। उन्होंने शादी किया और दोनों बहुत अच्छे से जी रहे थे। यश बहुत मोहब्बत करता था, हमेशा साथ देता था, हमेशा केयर करता था और अनिका को लगता था कि वो काफी लकी है। लेकिन एक दिन यश का एक्सीडेंट में डेथ हो गया। जब अनिका को यह बात पता चला तो वो बिल्कुल शॉक और सदमे में आ गई। उससे ऐसा लगा कि जैसे उसका जिंदगी उजड़ गया है और वो बिल्कुल अपने आप को दुनिया से अलग करने लग गई। ये सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डालने वाली लड़की बिल्कुल शांत हो गई। जैसे तैसे 3 साल बीत गया। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे कहा कि अनिका कब तक लाइफ को फिर से एक बार चांस दो। खुशी की बात यह है कि अनिका ने अपनी मम्मी की बात सुनी। कुछ टाइम बाद उसे अविनाश से प्यार हो गया। अविनाश एक बैंकर था और बहुत मेहनती था। दोनों ने शादी की और जिंदगी आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे अनिका का जो उदासी था कम होने लग गया। एक दिन कुछ काम के सिलसिले से अविनाश 3 हफ्ते के लिए बाहर चला गया। वो अनिका से इतना मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था कि वो बार बार उसको याद करता था और वेट कर रहा था कि फिर से कब उसके पास जाए। काम निपटाने के बाद अविनाश अनिका के पास लौटा, दरवाजे के नजदीक आया, इतना एक्साइटेड था अपनी वाइफ से मिलने के लिए कि वो दौड़ के गया घर के करीब। घर के दरवाजे पे पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला है। वो धीमे धीमे चलने लगा अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए। अनिका, अनिका कहाँ हो, अनिका, अनिका। लेकिन अनिका को कोई पता नहीं था। वो अचानक उसे धीमी धीमी रोने की आवाज आई। वो परेशान हो गया और ढूंढते ढूंढते वो घर के बेसमेंट में पहुंचा। सामने जो नजारा था उसे देखकर उसे एक झटका लग गया। अविनाश क्या देखता है कि वहां पे एक डेड बॉडी है जो कॉफिन में रखा हुआ है और उसके बगल में वो कोई और नहीं लेकिन उसकी बीवी अनिका थी जो रो रही है और चुपचाप है। और अनिका डर गई। अविनाश ने कहा, अनिका ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं, आई एम सॉरी। लेकिन अविनाश कुछ सेकंड चुप हो गया और उसने फिर कहा, अनिका अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर खूबसूरत हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें तुम्हारे पास्ट यानी यश के इस डेड बॉडी को दफन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं अभी कभी यहां से चला जाऊंगा। अनिका को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांगा। फिर अनिका ने उस डेड बॉडी को लिया और दफन कर दिया शमशान घर में। उसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो गया। हमें से बहुत लोग चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो। हमें से बहुत लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली हो। लेकिन जब तक आप अपने पास्ट की चीज़ों को पकड़े रहोगे तब तक आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर दर्दनाक होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर और प्रेजेंट ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, तो आपको अपने पुरानी यादें, इट डज नॉट मैटर कि वो कितना खूबसूरत है, उसको दफन करना पड़ेगा। पुरानी रिलेशनशिप की यादें, पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने वो चीज़ों को नहीं छोड़ा तो आपका लाइफ नहीं बदलेगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। साइनिंग ऑफ, बॉबी डिसूज़ा।